વાત કરીએ જે રીતે સમાચારમાં આગળ મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે. ચંદ્રયાન 3ના સફળ લેન્ડિંગ બાદ તે વિધિવત રીતે કાર્યરત થયું છે ત્યારે ગાંધીનગર ખાતે કાર્યરત સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગમાં ફરજ બજાવતા વૈજ્ઞાનિક નરોત્તમ સાહુએ મીડિયા સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. પ્રજ્ઞાન કામ શરૂ કરી દીયા, લેન્ડર ઇનકો રાસ્તા દિખા દિયા. એન્ડ યે એસા હોતા હૈ કે હમારા જો મેઇન ચંદ્રમા કા ઉપર મે જો ખડા હૈ વો લેન્ડર હૈ. इनके पास हमारा कम्युनिकेशन सारा सिस्टम है. सो लैंडर से रोवर अभी निकल गया. सपोज ये लैंडर हो गया, ये रोवर हो गया, ये मिनट को एक सेंटीमीटर तरफ से वो जाते जाते पूरा 400 किलोमीटर इनका के अंदर में इनका परिधि में घूमने का प्रयास किया हुआ है. तो इसके अंदर में वो पूरा घूमेंगे. जो हमारा अर्थ में 14 दिन तक वो घूमता रहेगा एंड इनका एक्सपेरिमेंट करता रहेगा. एंड इसके साथ हमारा कोई कम्युनिकेशन का लिंक नहीं है. तो ये जितना फाउंडिंग जितना कम्युनिकेशन होगा ये इनके पास जो लैंडर है विक्रम को भिजवाएगा. विक्रम इनके ऊपर में जो 100 किलोमीटर ऊपर में है और ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 का भी काम कर रहे हैं एंड इनका भी ऑर्बिटर को वो भिजवाएंगे. वो ऑर्बिटर से हमारा अर्थ स्टेशन आएंगे. बैंगलोर का जो हमारा अर्थ स्टेशन है वहाँ पे आएंगे. अलग अलग जगह में जहाँ पे इनका ट्रैकिंग होता है तो वहाँ पे आएंगे. तो अभी चैलेंजिंग ये होगा क्योंकि ये सबसे काम करना चाहिए एंड इनके काम करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. तो ये इनका सुपरवाइजर ये है लैंडर. तो हमारा सारा कम्युनिकेशन लैंडर के ऊपर में होगा एंड सारा कम्युनिकेशन हमको लैंडर देगा.